सुप्रीम कोर्ट रे नीट मामला सत्यपाठ दायर हो नथिबारु शुणाणी स्थगित। जुलाई 18 रे मामलार परवर्ती शुणाणी घुंचिला नीट मामलार शुणाणी। आसंता जुलाई 18 तारीख रे मामलार शुणाणी धार्य कले सुप्रीम कोर्ट। प्रश्नपत्र लीक परीक्षा व्यवस्था रे संस्कार नै केन्द्र सरकार एवं एनटीए सर्वोच्च अदालत रे सत्यपाठ दाखल करथिले। या उपरे अभियोगकारी को प्रतिक्रिया आसी नथिबारु मामलार शुणाणी घुंचाई देइछंती कोर्ट। मामलार शुणाणी पूर्वरु प्रतिपक्ष को सेमानक पक्ष रखिबाकु 7 दिन समय देइछंती सुप्रीम कोर्ट। हमें बहुत उम्मीद थी कि आज ही जो है हमारे हक में फैसला आएगा, पर माननीय सीजीआई साहब को आज लंच के बाद नहीं बैठना था। उसके बाद उनने पहले कल की तारीख दी और उसके बाद ये 18 तारीख दे दी गई। तो मुझे लगता है कि इसमें एक पॉजिटिव भी है कि एनटीए और सरकार ने जो हलफनामा दिया है वो अब हमारे वकील उसको स्टडी करेंगे, क्योंकि एनटीए ने अपने हलफनामे में पूरे झूठ भर भर के लिखे हैं। तबे नीट परीक्षा रे अव्यवस्था त्रुटि प्रश्नपत्र लीक को नहीं सुप्रीम कोर्ट रे दाखल होइतबा 43 टी पिटीशन रो आज सुनाणी हेबार थिला। प्रधान विचारपति डीवाई चंद्रचूड़ अध्यक्षतार गठित खंडपीठ मामलार शुणाणी करिथांते। या पूर्वरु आज सुप्रीम कोर्ट रे सीबीआई तदंत रिपोर्ट रो चार्जशीट दाखल करिथिला। बुधवार केन्द्र सरकार एने शपथ पाठ दाखल करिथिले। नीट यूजी 2024 रे अल्प किसी स्थान रे त्रुटि होइछि बोली कहिथिले। अब ये तो सेंटर शुरू से ही डिफरेंट व्यू ले रहा है। कभी वो मान रहे हैं कि लिमिटेड लीक हुआ है, लेकिन आज उनका जो एफिडेविट फाइल हुआ है उस एफिडेविट में उन्होंने इवन पटना के लीक को भी डिनाई कर दिया है। तो पटना भी उनके हिसाब से पटना सवाई माधोपुर कहीं भी कोई किसी किस्म का कोई लीक नहीं हुआ। सेपटे नीट सुनाणी को अपेक्षा करी रहिछंती लक्ष लक्ष छात्र छात्री। प्राय 23 लक्ष पिला रहिछंती न्याय अपेक्षा रे। केंद्र ओ एनटीए रो दायित्वहीनता कारण परीक्षा रे देखा देथिला बड़ो। रिपोर्ट कनक न्यूज़।